Hello students, welcome to Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class science subject worksheet number 25. The date of this worksheet is 31st August of 2020. डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट आई है ये आपका लाइव प्रोसेसेस बताती है कि जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो एक्सचेंज करते हैं वो गैसेस का, CO2 और O2 का. ये जो आपको दिया हुआ है बहुत इजी है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं. ठीक है, इस क्योंकि इसको हम क्वेश्चन आंसर्स में ही पूरी वर्कशीट को कवर कर लेंगे, इसलिए हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं. देखिए, और यहाँ पे दिया हुआ है कि फिशेज में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, और यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस आंसर. पहला क्वेश्चन है, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, ड्रा द डायग्राम ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम देना है प्लांट का, तो हम ये देंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन प्लांट, स्टोमेटा इन लीफ एंड लेंटिसल्स इन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ठीक है, ये आपका वर्कशीट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ से लिख सकते हो आप इसको. चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ, जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं. तो हम देख लेते हैं जो प्लांट्स हैं किस तरीके से ब्रीथ करते हैं. ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स रेस्पायर, बट द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट इज लाइव गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स लीव थ्रू स्टोमेटा. राइट, थ्रू स्टोमेटा के थ्रू में ये स्टोमेटा से के द्वारा ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं. डू प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट, क्या रात को भी प्लांट सांस लेते हैं. यस, प्लांट ब्रीथ एट नाइट, इसका आंसर ये हो जाएगा. आप देख लेते हैं, व्हाट डज अ फिश ब्रीथ, हाउ डज कैसे एक जो मछली है वो कैसे ब्रीथ करती है. ये भी सब आपके उसमें ही लिखे हुए हैं पैसेज में, आपको बस देखने हैं और करने हैं. फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, गिल्स की हेल्प से लेती है. गिल्स कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स से और एक्सचेंज के गैस के एक्सचेंज के लिए. ठीक है, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, व्हाट आर द थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, कौन सी थ्री करेक्टरिस्टिक्स, कौन सी तीन विशेषताएं हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की. तो ये दी हुई हैं इन्होंने पांच, इनमें से कोई भी तीन छाटो और आप लिख दो. और अगर एज इट इज़ लिखना चाहते हैं तो देख लिए मैंने ऊपर की तीन लिखी हैं. देर आर थ्री करेक्टरिस्टिक्स रेस्पिरेटरी सरफेस, इट मस्ट बी थिन, इट मस्ट बी प्रीएम्बल टू गैसेस, इट मस्ट बी मोस्ट इधर विद वाटर और मुकोस. ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ी हेल्प मिली है मेरी वीडियो से और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.